बरेली में चुनावी माहौल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर डीपी गंगवार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बरेली का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम इतना अच्छा चल रहा है कि 400 के पार जाएंगे और दोनों ही आंवला सीट और बरेली सीट दोनों ही निकल रही है और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद कुर्मी बिरादरी में नाराजगी है, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। सारी कुर्मी बिरादरी एक साथ में है और कुर्मी बिरादरी इसलिए नहीं कि साथ में कि कुर्मी प्रत्याशी है, बल्कि सारी कुर्मी बिरादरी जो बीजेपी के साथ में है और माननीय संतोष गंगवार जी का पूरा पूरा हाथ है, पूरा पूरा सपोर्ट है उनको। डॉक्टर साहब क्या लगता है बरेली में जीत का मार्जिन कितना रह सकता है? यहाँ पर बरेली में यहाँ कम से कम 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। डॉक्टर साहब बरेली की बात की जाए तो बरेली में मुद्दे क्या हो सकते हैं, स्थानीय मुद्दे? आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरों के क्या मुद्दे रह सकते हैं इस बार? इस बार क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट जो है उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने बात की है। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं या प्रत्याशी आते हैं तो सबने ये कहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट जो है उसको खत्म करेंगे, जिससे डॉक्टर्स कुछ राहत महसूस करें। हमारे साथ डॉक्टर डीपी गंगवार जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बरेली में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की एक मांग है क्लिनिकल जो एक्ट है इसको समाप्त किया जाए, इसको लेकर डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की है, हालांकि उन्हें आश्वासन भी मिला है। बता दें कि बरेली में भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पैठ रखते हैं बरेली और पीलीभीत में। पीलीभीत की यदि बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो वहां से वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, राजनीति में सक्रिय रहते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति का जो अहम चीज होती है वो जानते हैं। उन्होंने बरेली के में बताया कि किस तरह की राजनीति है और बरेली में कौन जीत दर्ज करने वाला।